अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे मंच न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाएं। गौरतलब है कि शहर के व्यस्ततम चौक बाजार स्थित हनुमान टीला गली में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक चांदी कारीगर से चांदी लूट ली। शहर में दिन दहाड़े चांदी कारीगर से अज्ञात बदमाशों ने 10 किलो चांदी के आभूषण लूट लिए थे और चांदी कारीगर के आंखों में विक्स लगाकर सिर पर बोतल मारकर उससे ये चांदी लूटी गई। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस लूट का खुलासा कर दिया। लूट करने वाले कोई बदमाश ही नहीं बल्कि चांदी कारीगर और उसके साथी ही थे। दरअसल चांदी कारीगर ने कर्ज के चलते कर चुकाने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना के तहत उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सिर में बोतल फुड़वाई और घायल होने का नाटक किया। घायल कारीगर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस घटना पर शुरू से ही संदेह जता रही थी। इसी दिशा में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी और 24 घंटे के अंदर वारदात का खुलासा कर दिया। इस संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसपी सिटी श्रवण कुमार ने बताया कि लूट की कहानी झूठी रची गई थी। महावीर और उसके तीनों साथी चौक बाजार स्थित प्रमोद अग्रवाल के प्रतिष्ठान पर काम करते हैं। यहाँ वे मीनाकारी के लिए चांदी ले जाते थे और अपने घर पर काम करने के बाद वापस दे जाते थे। तीनों साथियों ने माल ठिकाने की योजना बनाई और सुनियोजित तरीके से लूट की झूठी घटना रच दी। घटना को खोलने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा लिया। इस संदर्भ में एसपी सिटी श्रवण कुमार ने पत्रकारों को जानकारी दी। परसों चांदी की लूट का एक 394 आईपीसी का मुकदमा लिखा गया था, जिसपे हम लोग मौके पे गए। एसएसपी साहब के द्वारा निर्देश दिया गया है कि इसको अतिशीघ्र अनावरत किया जाए। इसका उन्होंने जब डिटेल उसकी तहकीकात की तो जो घटनाक्रम था, जो घटनास्थल था, जो आगे पीछे का सीन था, उसमें कई पॉइंट ऐसे थे जो डाउट पैदा कर रहे थे। इंस्पेक्टर गोविंद नगर को इस काम के लिए लगाया गया पूरा डिटेल। अगले दिन हम लोगों ने पूरी सीसीटीवी फुटेज ली और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, इंट्रोगेशन के आधार पे क्लियर कट ये एक प्लान के तहत जो उसमें पीड़ित था उसी ने इस चांदी को गायब किया था। इसमें चार लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक पीड़ित जिसके सर पे बोतल लगी, जिसने ये प्लान रचा था, दो उसको कैरी करने वाले जो लेकर के गए थे वहाँ से, और एक वो जिसने उस माल को अपने घर में तिजोरी में लॉकर में रखा था। कुल चार एक्यूज अरेस्ट हुए हैं, जिनपे 406 आईपीसी, 182 आईपीसी फॉल्स एविडेंस का मुकदमा लिखा गया है और उनको जेल भेजा गया। बाबा कड़ेरा सिंह विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी आवासीय स्कूल, ग्राम अखा, गोवर्धन सौंप मार्ग, मथुरा। यहाँ आपके बच्चों को मिलता है 50 एकड़ में फैला विशाल हरा भरा विद्यालय प्रांगण। सीबीएसई बोर्ड द्वारा 10 परीक्षार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, बोर्ड कक्षाओं का 100% परीक्षा फल, एनसीसी एवं एनएसएस की ट्रेनिंग, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, वातानुकूलित भोजनालय, पोषक शाकाहारी आहार, विद्यालय की निजी गौशाला से छात्र छात्राओं हेतु गाय के शुद्ध दूध की व्यवस्था, छात्रावास से विभिन्न 9 राज्यों के 550 छात्र छात्राएं अध्ययनरत, 24 घंटे अनुभवी गार्ड और गनमैन द्वारा कड़ी सुरक्षा, योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य। छात्रावास में छात्र की कुल फीस 80,000 से 1,00,000 तथा छात्राओं के लिए 60,000 से 75,000। अत्याधुनिक एवं सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, आर्ट और कंप्यूटर लैब के माध्यम से शिक्षण कार्य, करंट मैगजीन, न्यूज़पेपर और 5,000 से भी अधिक पुस्तकों से सुसज्जित विशाल पुस्तकालय। शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए 16 विभिन्न हॉबी क्लब जैसे योगा, कुकिंग, जूडो, कराटे, कॉइन कलेक्शन, इंडोर आउटडोर गेम्स और ओपन स्काई थिएटर। कक्षा 1 से 9 और 9 से 11 ऑल स्ट्रीम प्रवेश परीक्षा 18 मार्च 2018 रविवार सुबह 10 बजे से। तो जल्द कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 7055021012, 9557369469।